सो हे गेमर्स, वेलकम बैक। तो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का दोबारा से एक और न्यू माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज़ के साथ। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने ये डायमंड आर्मर बनाया था विद पूरा डायमंड के टूल के साथ, और गाइस थोड़ा बहुत इंचैंटमेंट भी की थी। तो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ बेस्ट एडवेंचर, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवेंचर करने वाला हूँ। तो चलो गाइस, रिसोर्स इकट्ठा करते हैं सामान जब हम एडवेंचर पर जाएंगे। तो गाइस, घर में आ चुका हूँ और थोड़ा सो लेता हूँ, बाहर काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है। और गाइस, मैं फटाफट से सामान ले लेता हूँ, खाना वगैरह, खाना पानी सब ले लेते हैं, एडवेंचर में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और गाइस, ये वाला एडवेंचर मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा दूर तक जाने वाला हूँ। और गाइस, मैं यहाँ पर एक ब्रश बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, आई थिंक उसमें फैदर लगेंगे। तो चलो, दो फैदर है अपने पास। और गाइस, यहाँ पर इसके लिए कॉपर चाहिए। भाई मेरे पास तो आई थिंक कॉपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने माइन ही नहीं किया कॉपर। भाई मेरे को उतना यूज़फुल नहीं लगता कॉपर, इसलिए तो मेरे पास कोई है नहीं। गाइस, स्टिक तो मिल गया बट कॉपर नहीं है, मेरे को कॉपर लाना पड़ेगा यार। भाई और ये देखो, इतने सारे आयरन। जब मैं एरिया फ्लैट कर रहा था तब मेरे को एक माइन दिखा था, वहाँ से मैंने आयरन कलेक्ट किया। और भाई इसको निकालते हैं सबसे पहले। चलो गाइस, मैं कॉपर थोड़ा सा लेके आता हूँ और मिलता हूँ। तो गाइस, मैं फाइनली कॉपर लेके आ चुका हूँ, और भाई एक स्टैक गोल्ड, भाई क्या ही बोले, मेरी छा रही है अभी तो। भाई फॉर्चून 3 का पिकेक्स है गाइस, उसके वजह से मेरे को डबल ट्रिपल मिल जाता है। तो भाई चलो, होने देते हैं तब तक, स्मेल्ट एक ही चाहिए अपने को। चलो भाई, एक हो चुका है। और गाइस फाइनली मैं अब बनाता हूँ ब्रश, हाँ ब्रश ही कहते हैं इसको। चलो भाई बाहर, भाई कितना प्यारा लग रहा है यार, ऐसे लग रहा है कि गाइस ये हाथ लहरा रहा है अपना। तो चलो गाइस, अब एडवेंचर पे चलते हैं और मिलते हैं गाइस एडवेंचर पे आपको। तो गाइस, सब सामान मैंने ले लिया, और लास्ट टाइम देख रहा हूँ भाई, पता नहीं कब आऊँगा कब ना। और ये देखो गाइस, मेरा एक फ्रेंड आया था, उसने बोर्ड लगाया, एंड गेमर हाउस लिख दिया भाई। तो चलो गाइस, अब निकलते हैं एडवेंचर पर। और भाई मेरे को खाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, बट कोई ना गाइस, अपने पास फायर एस्पेक्ट वाली एक तगड़ी स्वॉर्ड है, जो कि गाइस अपने को कुक मीट इजीली मिल जाएगा। तो चलो गाइस, अब एडवेंचर पे चलते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा रहा हूँ। चलो गाइस, यहाँ पे मेरे को मिल चुका है एक रुइंड पोर्टल। तो भाई इसका चेस्ट किधर है? भाई मैं घर से तो काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ। ओ भाई, यहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। भाई एन्चेंटेड एप्पल मिल जाए तो भाई बस पूछो मत। और भाई मेरे को आयरन नगेट मिले, जिसका मैं एक शील्ड बनाऊंगा। भाई मेरे को शील्ड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो ले लेते हैं गाइस यहाँ से सामान। मेरे को तो यूज़ आएगा नहीं कहीं पे, बट ले लेते हैं जहाँ पे कोई इससे बेटर सामान मिला। तो गाइस इसको मैं वहीं पे फेंक दूंगा और सामान उठा लेंगे। तो चलो गाइस, थोड़ा और दूर चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है मुझे। और भाई नदी पार करके मैं आया, जस्ट एक विलेज दिखा, और भाई पानी शेडर में तो भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और गाइस, यहाँ पे सामने अपना एक विलेज। तो चलो गाइस, देखते हैं इस विलेज में अपने को क्या कुछ खास मिलता है। और भाई यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ भी है, टूल स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, जो भी बोलते हो आप। और भाई थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, तो आप थोड़ा वॉइस सुन सकते हो। चलो गाइस, यहाँ पर लगा दिया मैंने। और भाई इसके अंदर डायमंड तो होने चाहिए यार। चलो, ओ भाई ये देखो, चार डायमंड। हाँ मालूम है गाइस ये ब्रेड है, बट अपन तो चार डायमंड बोलेंगे। भाई नहीं दिया यार डायमंड, क्या बोलें अब। एक और यहाँ पे लेदर वाला आर्मर ही मिलेगा। चलो भाई पैंट मिला, क्या करूँ भाई। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, ये देखो गाइस मेरी प्रोनेस, हाँ थोड़ी सी प्रोनेस है भाई, ज़्यादा नहीं। ओ भाई पोटैटो मिला भाई। अब देखना गाइस फॉर्चून 3 का कमाल, भाई इतने सारे मिलते हैं ना भाई, अब क्या बोले भाई। और भाई अपने को बस बीट रूट की कमी है, बाकी तो अपना फार्म वाला जो भी सीड होता है सब कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो गाइस, थोड़ा सा और एडवेंचर करते हैं। भाई इस विलेज में तो मेरे को कोई एक्सपेक्ट भी नहीं है कि मिलेगा, और भाई मेरे फेवरेट फ्लावर भाई। चलो गाइस चलते हैं आगे। और भाई थोड़ा सा और आगे चलते, मेरे को एक देख चुका है भाई, स्ट्रक्चर कुछ तो है भाई, आई थिंक इसके अंदर क्या होगा मुझे नहीं मालूम भाई। चलो मैं थोड़ा सा साइड में अपना बोट पार्क कर देता हूँ भाई। चलो यहाँ पे लगाते हैं बोट। भाई को स्पॉनर ना निकल जाए भाई,
1.20 का है भाई, मैंने खुद एक्सप्लोर नहीं किया भाई वर्ल्ड। चलो भाई सब सामान रेडी है, और भाई इसमें मेरे शायद से शस्पीशियस ऐसा ही कुछ बोलते भाई, जो भी है सैंड मिलता भाई, सैंड और ग्रेवल। भाई ग्रेवल तो मेरे को कौन से यार समझ नहीं आ रहे, सस्पीशियस ऐसे तो कुछ नाम है भाई, साउंड का कुछ फ़र्क तो नहीं है यार भाई। नहीं यार साउंड का तो कुछ फ़र्क नहीं है, अब ब्रश से ये देखेंगे क्या होता है भाई। ओके गाइस ये है, चलो भाई निकल जाओ अपने को स्नीफर एग भाई। अरे कॉल मिला भाई, चलो कोई ना गाइस रात हो रही है, कोई ना गाइस मैं डे कर देता हूँ फटाफट से अब सो के। तो गाइस मैं सो के उठ चुका हूँ, और यहाँ पे मेरे को एक पॉट आई थिंक दिख रहा है भाई। क्या है ये भाई, पोर्ट्रेट शार्ड है भाई। चलो थोड़ा सा और देखते हैं क्या मिलता है मेरे को। ओके गाइस थोड़ा सा एक और मिला मेरे को, चलो इसमें भी कॉल, और बस एक और भाई इसमें तो अपना भाई खाना पीना निकला। और भाई बारिश चालू हो चुकी है, सो के देखते हैं भाई। थंडर स्ट्रॉम वाला बारिश था भाई, वेदर थंडर स्ट्रॉम वाला भाई। शुक्र में सो गया भाई। ओ भाई साहब क्रीपर, चलो उसको साइड में रखो भाई, हम तो अपना काम करते हैं भाई। एक और मेरे को शार्ड मिल चुका है, पोर्ट्रेट शार्ड भाई, चलो कलेक्ट करते हैं। सो गाइस एक और मुझे दिख चुका है शार्ड भाई। भाई कितने सारे शार्ड है भाई, मेरे को एक स्नीफर एग दे दो भाई। अब भाई जगह नहीं है यार रखने की भाई, इन्वेंट्री अभी से ही भरने लगी भाई। कोई ना अगले एपिसोड में हम नेदर में ट्राई करेंगे, बस ऐसे ही जाने का ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और भाई वंश भाई ने बोला कि अगले एपिसोड में नेदर में जाना, बट यार उससे पहले ये वाला एपिसोड रेडी हो चुका है, तो क्या करें भाई। चलो आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं भाई, मिलता है क्या भाई, कुछ खास सामान तो मिल नहीं रहा यार भाई साहब, बेकार बेकार से मिल रहे हैं। और भाई मैं थोड़ा और आगे चला तो भाई काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ मैं, और मेरे को यहाँ पे मिल चुका है एक स्मिथी, जो भी बोलते हो आप भाई, बेकार सी लूट है यार, कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है। और भाई वहाँ से मैं निकल चुका था क्योंकि उस विलेज में कुछ खास मिला नहीं मेरे को। और एक यहाँ पे मेरे को मिल चुका है प्लेजर आउटपोस्ट भाई, चलो इसको किल करते हैं भाई फटाफट से। अरे क्यों पंगे ले रहे हो भाई तुम, चलो किल किया। चलो भाई सब अंदर चलते हैं, यहाँ से मेरे को एक टेम्पलेट ऐसे कुछ तो मिलता है जो आर्मर पे हम डिज़ाइन वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो भाई चलो ऊपर चलते हैं यार, भाई नीचे से कोई आ रहा है लगता है, मेरे को ब्लॉक लगाने पड़ेंगे फटाफट से। ओ भाई चलो भाई लगा तो दिया ब्लॉक, अरे भाई शुक्र है मैंने शील्ड बना लिया भाई। चलो मरो भाई तुम सब एक एक करके, भाई मेरे पास आओगे तो सब जलोगे भाई। चलो भाई ये भी गया ये भी गया, और भाई ख़त्म हो गए सब यार। चलो इस चेस्ट में क्या है, अरे भाई हर बार की तरह इसमें भी टट्टी लूट है भाई, मेरे को लूट के मामले में काफ़ी ज़्यादा घटिया घटिया लूट मिल रही है यार आज, पता नहीं क्या हो गया, अगले दिन किसी दिन आना पड़ेगा। तो भाई मैं निकल चुका हूँ यहाँ से भाई, कुछ खास लूट तो मेरे को मिल नहीं रहा। कोई ना गाइस जब अपने पास इलाइट्रा आएगा फिर गाइस हम बहुत ज़्यादा बहुत इससे भी ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में, तो भाई उसमें सब बायोम ढूंढेंगे भाई। और यार मेरे को यहाँ पे देखो करिश्मा भाई, कुदरत का माइनक्राफ्ट का भाई जलवा भाई, चारों तरफ स्नो है बीच में लावा भाई, क्या है भाई ये, इसके अंदर कुछ तो नहीं है। चलो भाई इसके अंदर तो कुछ नहीं है, मेरे को समझ नहीं आया क्या है भाई, लेकिन एरिया काफ़ी मस्त लगा यार मेरे को, काफ़ी ज़्यादा प्यारा ये देखो भाई, स्नो सैंड भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। चलो भाई थोड़ा और एडवेंचर करते हैं आगे भाई, थोड़ा आगे आया तो मेरे को भाई बीट रूट मिल चुका है, और एक विलेज है भाई, सबसे पहले तो इसका सीड मेरे को लेना पड़ेगा। और भाई हो सके तो मैं इस वाली वीडियो में जंगल बायोम फाइंड करने का ट्राई करूँगा भाई। चलो यहाँ से फटाफट से मैं तोड़ता हूँ, और भाई साहब चलो तोड़ते हैं। चलो गाइस मेरे पास सीड तो इनफ हो चुका है, चलो भाई थोड़ा देख लेते हैं यार इस विलेज में क्या मिलता है अपने को। भाई साहब यहाँ पे विलेजर हैं भाई, और कैरेट भाई इसमें चेस्ट होगा शायद से,
अरे अरे हाँ गाइस, इसका मैं बता दूँ, ये देखो यहाँ से अपना नेदराइट बनेगा, एक जो कार्ड आ चुका है ना नया सा, कुछ तो है टेम्पलेट जैसा भाई, अपने को सिर्फ बेस्टियन में मिलेगा नेदर में, उसके अलावा कहीं नहीं मिलने वाला अपने को। तो भाई क्या कर सकते हैं, चलो गाइस थोड़ा सा और हम एडवेंचर को कंटिन्यू करते हैं। और भाई ये देखो भाई, एक और कुदरत भाई, भाई मतलब पानी के लहरों से बह के भाई ऊपर ही आ चुका है, क्या बोले भाई। अब इनको चेस्ट है अंदर, ओ भाई एक ट्रेजर मैप है, ट्रेजर मैप। तो गाइस इस ट्रेजर मैप को भी हम देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम ढूंढा ढांडी कर लेते हैं। मेरी एक्स मतलब ये काटने वाला एक्स भाई, कोई और नहीं। हाँ हालांकि वो भी काट देती है भाई, काट के चली जाती है, बट हाँ उससे ज़्यादा तेज ये है भाई, क्या बोले। जिसको समझ में आया भाई वो समझ गया, जिसको नहीं आया तो भाई वो क्या बोले। हाँ वीडियो को देख लो बस, और क्या। चलो गाइस यहाँ पे हम थोड़ा सा ढूंढ करते हैं ढूंढा हांडी, भाई कुछ खास नहीं है। चलो गाइस अब मैप पकड़ लिया हाथ में, और तुम्हारा भाई देखना गाइस एक ही बार में मैप को करने वाला है फाइंड, चेस्ट को फाइंड करने वाला है। तो भाई सबसे पहले शील्ड हटाओ यार। अब देखो गाइस बड़ा मैप, और गाइस एक ही बार में अगर नहीं हुआ तो चलो तो लाइक कर देना बस भाई, किसी वाली वीडियो में नहीं बोलता बट इस वाले में बोल रहा हूँ भाई। यहाँ से थोड़ा सा यार भाई हिलजुल इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। चलो भाई मेरे ख्याल से एक ब्लॉक पीछे है मेरे भाई, चलो तोड़ना चालू करते हैं इसे भाई। अगर नहीं मिला ना मेरा नाम बदल देना भाई। भाई चलो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है बट ज़्यादा नहीं है। ओके गाइस मैंने क्या बोला था, चलो गाइस इसी बात पे लाइक कर दो यार, आपकी मर्ज़ी है बस, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना बातों को भाई। आपकी मर्ज़ी है, लाइक करो सब्सक्राइब करो जो मन करे वो करो भाई। लूट इसमें भी ठीक ठाक है भाई, भाई वाटर ब्रीथिंग का पोजीशन मिल चुका है, जिसको गाइस मैं अनलिमिटेड कर सकता हूँ, उस पर वीडियो आएगी जल्दी, अनलिमिटेड कैसे करें सभी पोर्शन को। तो भाई सामान लूट लेते हैं अब सब सब जो भी है भाई। हार्ट ऑफ द सी मैंने ले लिया भाई, न्यूट्रलाइज शेल बनाने के लिए अपने को काम आएगा। तो भाई सब सामान ये देखो भाई, जो यूज़ नहीं था वो मैंने इसमें ही स्टोर कर दिया। तो चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपना एडवेंचर। तो गाइस अगेन मेरे को मिल चुका है एक और रुइंड पोर्टल, रुइंड पोर्टल जो भी बोलो यार भाई। इसमें भी चेस्ट, और इस चेस्ट में हर बार की तरह इस बार भी कबाड़ी लूट भाई, क्या बोले। अब कुछ ढंग का लूट दे ही नहीं रहे, और एक गोल्ड का ब्लॉक है तो मैं तोड़ लेता हूँ भाई, गोल्ड की कमी नहीं है बट तोड़ लेते हैं यार, फ्री फॉकट का मिल रहा है कौन ही कुछ करेगा। तो भाई अभी तो मेरे को मिला नहीं, फिर से हमको दूर जाना पड़ेगा यार। तो भाई और कुछ तो मिला नहीं रास्ते में, काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ। और भाई एक मेरे को इग्लू मिल चुका है, तो भाई इसके अंदर होना चाहिए, ओ भाई यही मैं बता रहा था, एक सीक्रेट रूम होता नीचे। तो भाई सबसे पहले तो सो लेते हैं यार, सोए या अंदर जाए भाई, मैं सोच रहा हूँ कि पहले सो लेते हैं भाई। चलो भाई डे होगा तो काफ़ी अच्छा होगा यार, ओ भाई साहब। चलो अब नीचे चलते हैं भाई, नीचे अंधेरा है भाई, चलते चलो चलते चलो। एक सस्ती सी लिफ्ट, और यहाँ पे विलेजर। चलो भाई जोम्बी और नॉर्मल दोनों हैं भाई। इस चेस्ट के अंदर तो गोल्डन एप्पल होता ही है, लो भाई होता ही होता है भाई हर बार की तरह। चलो भाई इसके लिए यार मेरे पास स्टोरेज की कमी पड़ रही है भाई, कौन सा सामान फेंके भाई, सभी सामान तो काम के हैं यार भाई। चलो यहाँ पे वीकनेस का पोशन भाई, विलेजर को अब हम क्योर कर सकते हैं, और गाइस हम अपने एक्सपी फार्म से भी विलेजर को क्योर कर सकते हैं। और भाई सब सामान मैं लेकर रख कर अब जा रहा हूँ वापस से ऊपर भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेन मेन सीन नहीं दिखाएंगे आपको। तो चलो गाइस थोड़ा और आगे चलते हैं। और भाई यहाँ पे मेरे को एक और क्या बोलते हैं शिप रैक मिल चुका है, और भाई इसके भी चेस्ट में बेकार सी ही लूट है, बट हाँ रेयर है भाई ये जो पॉइजनस पोटैटो होते हैं, क्योंकि भाई उसके अलावा कहीं नहीं मिलता है। और भाई साहब एक बायोम जिसको सब जानते हैं भाई, यार ये बायोम कौन नहीं जानता भाई, और टर्टल भाई कितने सारे यहाँ पे भाई, जंगल बायोम है यार ये तो भाई।
थोड़ा सा पागल हो गया भाई मैं। चलो मैं ना इसको सिल्क टच से ले लेता हूँ ताकि मैं अपने घर जाके तोड़ सकूँ भाई अच्छे से, नहीं तो भाई इन्वेंट्री भर जाएगा पूरा। भाई मैं थोड़ा सा ही लेने वाला हूँ क्योंकि बाद में हम फार्म कर लेंगे। और भाई यहाँ पे पैरट भी मिलते हैं ना, तो भाई पैरट भाई पता है ना पैरट, हम पूरा झुंड लेके जाएंगे यहाँ से। भाई अब उतना मिलेगा भी या नहीं, लेकिन आई थिंक यार ये जंगल बायोम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो भाई चलो यहाँ पे कोको बीन, कोको जो भी बोलते आप, कोकोनट, भाई कोकोनट तो नहीं है, कॉफ़ी जैसा कोको बीन तो है। चलो भाई इतना सारा, और भाई बैम्बू, बैम्बू कॉप्टर बनाएंगे इससे हम। भाई उड़ नहीं सकते बट भाई बैम्बू, गैस अगले एपिसोड में हम इसका भी सामान बनाएंगे, आपको दिखाएंगे भाई, एक छोटा सा घर बनाएंगे बैम्बू का। तो चलो गैस अब रात भी हो रही है और डे भी करना है, और गैस पैरट को ढूंढते हैं, डे करते हैं सबसे पहले तो। और भाई मेरे को एक मिल चुका है पैरट और डे भी हो चुका है, तो भाई टेम करते हैं इसे। और भाई साहब मेरे पास बीट रूट सीड है, तो भाई अरे भाई इसको मैंने कंधे पे बिठा लिया, मैं आपको दिखाता हूँ पर्सन चेंज करके दिखाता हूँ कैमरा एंगल। तो चलो गाइस ये देखो भाई साहब कितना प्यारा लग रहा है यार कंधे पे बैठा, ब्लू कलर का है भाई वो भी। इसके गाल पे ना ये देखो इन्वेंट्री में आपको दिख रहा होगा, इसके गाल पे भाई रेड की जगह ये येलो टाइप से कुछ तो है भाई। और गाइस इसकी मैं बता दूँ ब्रीडिंग नहीं होती है, तो भाई सोचना भी मत कि इसके ब्रीडिंग होगी। तो भाई एक वो देखो गाइस पीछे भी एक उड़ रहा है छोटा सा, भाई उसका कलर मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये देखो एक और आपके सामने लाइव प्रूफ टेम करके दिखाता हूँ भाई कैसे करते हैं टेम। आपको हाथ में कोई भी सीड ले लेना है, बीट रूट सीड, मेलन सीड, ये पम्पकिन सीड हो गया, वीट सीड हो गया, भाई बस सीड होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे देखो टेम का ऑप्शन आया, चलो ये दो खाया। और भाई इसके पास जाओगे तो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा आपके कंधे पे। ओके गाइस बस आप स्वॉर्ड मत चला देना, एक ही स्वॉर्ड में मर जाएगा भाई। और भाई चलो आज के एडवेंचर में बस इतना ही यार। और हाँ अभी ख़त्म नहीं हुई ये वीडियो, लास्ट को आपको दिखाऊंगा कि मेरे को क्या क्या मिला, बेस पे चलेंगे तो भाई जितना सब सामान मिलता है ना भाई एक ऐसे हवा में। चलो गाइस मैं सब सामान आपको इकट्ठा करके बेस पे मिलता हूँ अब। तो भाई एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, और मेरे भाई यहाँ पे दो पैरट मेरे कंधे पे अलग अलग कलर के हैं। और गाइस अब मेरे पास सीड दो हैं इसके बीट रूट के, तो भाई आप गेस करो मेरे पास कितने पैरट होंगे। भाई साहब वीडियो एडवेंचर की थी बट मैंने कर क्या लिया भाई, ये देखो यार मतलब क्या है भाई ये, लिटरली भाई इतने सारे मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैरेट मिले। भाई दो सीड मैंने बचा लिया, थोड़े बहुत मेलन सीड से भी किए टेम। और भाई साहब ये देखो यार लिटरली भाई ब्लू कलर के काफ़ी ज़्यादा है भाई, अलग से अट्रैक्टिव लग रहे हैं यार भाई। इसका मैं आगे चल के, अभी तो नहीं आगे चल के मैं एक बढ़िया सा एरिया बनाने वाला हूँ भाई। सबको मैंने टेम कर लिया है, बैठा के रखा हुआ है, क्योंकि बिना टेम वाले तो ऐसे नॉर्मली उड़ते रहते हैं, वाइल्ड होते हैं। तो भाई ये देखो मैं जंप कर रहा था, इनके सर भी देखो भाई कितने क्यूट लग रहे हैं यार, कितने प्यारे हैं भाई। तो बस गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही, आई होप आपको गाइस आज की वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो हाँ पैरेट के लिए आप नेम भी सजेस्ट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट शानदार से ऐसी तबाहीदार वाली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।